सूरत विकासखंड के आदिवासी बाहुल्य वनांचल ग्रामों के ग्राहक सेवा केंद्रों में बड़ी लापरवाही का मामला उजागर हुआ है। बैंकों के माध्यम से संचालित ये केंद्र ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत मजदूरी राशि, वृद्धा पेंशन और शासन की कल्याणकारी योजना का लाभ देते हैं। सरकार की दी इस राशि में मनमानी कटौती करके भुगतान करने से ग्रामीण खासे परेशान है। ग्राम लोहजर, रानी, परतेवा, पांझीपानी और पकितिया में ग्रामीणों के द्वारा ग्राहक सेवा केंद्रों से निकाली गई राशि में कम भुगतान किया गया है। राशि में कटौती ग्राहक सेवा केंद्र के संचालकों के लिए कोई नई बात नहीं है। लंबे समय से ये खेल चल रहा है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी ग्रामीणों की शिकायत का इंतजार कर मूक दर्शक बने हुए बैठे हैं। और पैसा निकालने के लिए वो आया था यहाँ पंचायत में, करीबन 7 तारीख को आया था वो, और उसका पैसा वहाँ निकाला गया है 2400 रुपया और उसको पेमेंट किया गया है 2000 रुपया। उसका नाम है कुमारी बाई। 30,000 ठीक मिली से आवास घर के है और दूसरा किस्त आई से तब 16,000 पैसा उमे के नहीं मिला थे। अब कुछ भी डाले तब मिली वैसे कही दी सब वहाँ जाबे खाता में तब पैसा के नहीं ऐसे कहते तो हम वो पैसा कहाँ गए की के पूछा था। उस पैसे का हितग्राह में इतना कंप्लेन है कि पैसा निकाले नहीं और निकल जा रहा है, इस टाइप का शिकायत आ रही है चॉइस सेंटर से। तो मेरा ये कहना है कि इसके बारे में जांच होनी चाहिए। अब कोई लोग 1,000 निकाले हैं, कोई 1500 निकाले हैं, कोई लोग 2,000 निकाले हैं, जिसमें से कुछ कस्टमर का ज़्यादा डेबिट हो गया। वो टेक्निकल फॉल्ट के कारण, सर्वर बंद हो जाने के कारण कई बार हो जाता है वैसी, जो कुछ दिनों पैसा रिफंड आ जाता है। ग्वालियर में लॉकडाउन के बावजूद